शराब नीति मामले च तिहाड़ जेल तो रिहा होण अते दिल्ली दे मुख्यमंत्री दा अहुदा छड्डन तो बाद आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्ते हमले कर रहे ने। इस दौरान केजरीवाल ने जंतर मंत्र उत्ते जनता दी अदालत प्रोग्राम नू संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने RSS के मुखी मोहन भागवत नू PM मोदी अते भाजपा नू लैके कई सवाल पूछे ने। केजरीवाल ने कहा है कि मैं भागवत जी नू पूछना चाहता हाँ कि तुसी एक कानून बनाया सी कि भाजपा नेता 75 साल की उम्र पूरी करन तो बाद रिटायर होंगे, उस तो बाद अडानी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, कलराज मिश्रा जी वर्गे कई लोग सेवा मुक्त हो गए। हुण गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी ते लागू नहीं होगा। मोहन भागवत जी, कि तुसी शाह नाल सहमत हो कि जो नियम अडवाणी जी ते लागू होया सी हुण ओह नियम मोदी जी ते लागू नहीं होगा? मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूँ और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ED और CBI की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या यह देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि यह भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, बीजेपी RSS की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है ये देखना RSS की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथ भ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को यह सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, JP नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब RSS की जरूरत नहीं है, RSS बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था RSS, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को, क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं RSS के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें RSS की जरूरत नहीं है, क्या RSS के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? मेरा पांचवा प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत
आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? आप ये पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते? पूरा देश आज मोहन भागवत जी से ये प्रश्न पूछना चाहता है।